सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसईटीओजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। अब देखिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बेसिक समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप उसको देख लीजिए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि चार तरीके के हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। तो इस वीडियो में हम फॉरवर्ड्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। अब देखिए, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से प्राइस रिस्क कम होता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर है जो गेहूं उगाता है और वो लेट से अपना सारा गेहूं किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी को बेचता है, तो दोनों ही पार्टीज का प्राइस रिस्क है। अब देखिए, प्राइस तो डिमांड और सप्लाई का खेल है। किसी साल अगर बहुत प्राइस नीचे चला गया तो फार्मर का लॉस हो सकता है, और किसी साल अगर प्राइस बहुत ऊपर चला गया तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी का लॉस हो सकता है। ऐसे में ये दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं जहां पे ये अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। इसी को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, यही हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को, जैसा आप लोगों ने, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, इसको हम ब्लैक बोर्ड पे कवर करेंगे। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये एक फार्मर है मोहन, जो 100 बेल्स ऑफ कॉटन उगाता है अपने फार्म्स में। वहीं दूसरी तरफ एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है राम टेक्सटाइल्स नाम से, इनकी 1000 बेल्स ऑफ कॉटन पर ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोहन जैसे 10 फार्मर से ये अपनी टोटल कॉटन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि कॉटन का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे जाता रहता है, हर साल का प्राइस अलग हो सकता है। अब यहां पे देखिए, पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा वेरिएशन आया है कॉटन के प्राइसेस में। 15,000 रुपए लेट से पहले साल में था, उसके बाद 20,000 रुपए पर बेल पहुंच गया। अब ध्यान दीजिए, 1 बेल 170 kgs के बराबर होता है, तो यहां पे बेल का प्राइस लिखा है पर बेल का रुपीज के अंदर। उसके बाद ये दूसरे साल में जैसे 20,000 था, तो तीसरे साल में ये 17-18,000 के आसपास आ गया। फिर ये एकदम से इतना ज्यादा शूट कर गया, चौथे साल में ये 30,000 का पहुंच गया। अब मजे की बात ये है कि ये जो 15,000 की वैल्यू ले रहे हैं हम, यहां पे मोहन को लॉस होना शुरू हो जाता है। ये 15,000 क्या, ये इनफैक्ट 16-17,000 से नीचे तो मोहन, उसकी कॉस्ट ही आ जाती है, उससे नीचे तो कॉटन को बेच ही नहीं सकता है, उसके ऊपर उसको लॉस उठाना पड़ जाता है। तो इसको इस वाले साल में काफी लॉस उठाना पड़ गया था। अब राम टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, तो 25,000 रुपए से जैसे ही कॉस्ट ऊपर जाती है तो राम टेक्सटाइल्स को लॉस उठाना पड़ जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए उन्हें अगर 30,000 रुपए में पर बेल कॉटन ही पड़ेगा तो उनकी बाकी की प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह होंगी, तो जितनी भी वो टी शर्ट्स वगैरह बनाएंगे या बाकी के जो भी अपने टेक्सटाइल के अंदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो राम टेक्सटाइल्स और मोहन एक अग्रीमेंट पे आते हैं, वो कहते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और ये अपना जो प्राइस है इसको हम फिक्स कर लेते हैं आने वाले सालों के, जिससे कि ना तो मोहन को लॉस उठाना पड़े और ना ही राम टेक्सटाइल्स को लॉस उठाना पड़े। तो ये लोग लिखते हैं कि राम टेक्सटाइल्स अग्रीज टू बाई एंड मोहन अग्रीज टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन एट ₹20,000 पर बेल एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो ये दोनों लोग अपना प्राइस फिक्स कर लेते हैं आने वाले सालों के लिए, लेट से आने वाले 3-4 सालों के लिए ये लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो यहां पे दोनों का ये फायदा है कि दोनों का ही प्राइस रिस्क कम हो गया, जिसे हम हेजिंग कहते हैं। अब देखिए, जब भी ये प्राइस 25,000 के ऊपर जा रहा है, 20,000 के ऊपर जा रहा है, तो मोहन तो बहुत खुश होगा कि हाँ भाई, मेरे को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। राम टेक्सटाइल्स तब खुश होगा जब 15,000 का प्राइस हो जाएगा, तब उनके प्रॉफिट पड़ जाएंगे। लेकिन जब लॉस उठाना पड़ता है कंपनी को, तो उस टाइम पे लेट से टेक्सटाइल कंपनी के शेयर प्राइस बहुत गिर जाएंगे, उनका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है, मोहन को अगर लॉस उठाना पड़ेगा तो हो सकता है वो आउट ऑफ बिजनेस ही चला जाए। देखिए, कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल कम प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन लॉस उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए ये दोनों लोग अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके अपना प्राइस रिस्क कम कर देते हैं। तो बस इसी टाइप के अग्रीमेंट को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहां पे क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि जो भी कॉमोडिटी है या जो भी अंडरलाइंग एसेट है वो कितना बिकेगा, किस प्राइस पे बिकेगा और किस टाइम पे बिकेगा।
तो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे जो भी कोई क्वांटिटी है, जितने भी प्राइस पे खरीदी या बेची जा रही है, वो चीज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दी जाती है। अब ये तो हमने समझ लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसके बेसिक्स तो हमें समझ में आ गए, लेकिन अब इसके अंदर कुछ रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क है डिफॉल्ट रिस्क ऑफ काउंटर पार्टीज। अगर मान लीजिए मोहन ने डिलीवरी ही नहीं करी 100 बेल्स ऑफ कॉटन की, तो राम टेक्सटाइल्स कहां जाएगा? और मान लीजिए इसने डिलीवरी कर दी, राम टेक्सटाइल्स ने पे करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो तुम्हें मार्केट प्राइस ही देंगे, हम तो नहीं देना चाहते तुम्हें 20,000, लेट्स से यहां पे 15,000 का आ जाता है रेट, और राम टेक्सटाइल्स कहता है कि नहीं हम तो तुम्हें खाली 15,000 रुपए के हिसाब से ही देंगे, हम 20,000 रुपए के हिसाब से तो नहीं देते। तो यहां पे काउंटर पार्टी का रिस्क आ जाता है कि दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई हैं उन्हें सीधा कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनके लिए एक इमीडिएट सेटलमेंट नहीं हो पाता है। दूसरा रिस्क, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पार्टी को भी नहीं बेच सकते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं फ्यूचर्स के अंदर। अब फ्यूचर्स के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा और सोफिस्टिकेशन आ जाता है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप इसी को एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर देते हैं तो वो फ्यूचर्स हो जाता है। अब फ्यूचर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, अब हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ गया, अब हम देखते हैं कि इसकी सेटलमेंट कैसे होती है। लेट्स से फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि ये जो फिफ्थ ईयर था, यहां पे मार्केट प्राइस जो था वो 25,000 रुपए पर बेल का था। यहां से लेट्स से ये यहां पे आके 25,000 रुपए का एक्चुअल प्राइस आ गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था इनका 20,000 पे, यहां पे इन्होंने 20,000 का प्राइस साइन किया हुआ है। तो अब डिलीवरी कैसे होगी? एक तो तरीका है कि सेटलमेंट जो है वो डिलीवरी से हो सकती है। डिलीवरी का मतलब है कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन यहां पे राम टेक्सटाइल्स के पास पहुंच गए और राम टेक्सटाइल्स ने इसको मोहन को पैसे दे दिए 20,000 पर बेल के हिसाब से, तो कितने हुए 20,00,000 रुपए इन्होंने पे कर दिए और यहां पे इसने 100 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दी। दूसरा ऑप्शन क्या है, जहां पे यहां पे कोई डिलीवरी नहीं होगी और ये 20,00,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए यहां पे क्या होगा, कैश सेटलमेंट हो सकता है। ये जो डिफरेंस है ये 5,000 रुपीज पर बेल का है। तो अब यहां पे क्या होगा, मोहन कहेगा कि आप ये मेरे पास अभी बेल्स ऑफ कॉटन तो नहीं है, आप किसी और से डिलीवरी ले लीजिए, आप मार्केट से खरीद लीजिए, लेकिन ये जो डिफरेंस है मैं आपको ये डिफरेंस पे कर देता हूं। तो कैश सेटल में क्या होगा कि मोहन 5,00,000 रुपए दे देगा 5,000 रुपीज पर बेल के हिसाब से टू राम टेक्सटाइल्स, डिलीवरी ऑफ कॉटन नहीं की जाएगी इस केस के अंदर। बस यही दो तरीके होते हैं सेटलमेंट के। तो आई थिंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने सारे बेसिक्स यहां पे कवर कर लिए हैं, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स काफी इनफॉर्मली साइन होते हैं और यहां पे आपको सीधा कोर्ट में जाके सेटलमेंट करना पड़ता है अगर किसी भी तरीके का कोई डिफॉल्ट होता है। तो इसी वजह से फ्यूचर्स एक थोड़ा सा अच्छा तरीका है, आप फ्यूचर्स में डील जरूर कर सकते हैं अगर आप कॉमोडिटीज में डील करना चाहते हैं, और सिमिलरली बाकी के कॉमोडिटीज या शेयर्स या फिर कोई भी अंडरलाइंग एसेट हो उसके लिए आप फ्यूचर्स में डील कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे।